मैडम पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि आपने मौका दिया मेरे को मेरी बात रखने का, और बिग बॉस का धन्यवाद करूंगा, सलमान सर का धन्यवाद करूंगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का नंबर वन शो बिग बॉस, जहां मेरे को मौका मिला सबको हंसाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, एक प्यारी गेम खेलने का जो कि सारे गेम खेलते हैं इस शो के अंदर। मैं आपने जो सवाल पूछा कि जल्दी बाहर आना पड़ गया, इसके पीछे मैडम एक बड़ा रीज़न है कि अभिषेक का पहले तो सब आपको जानते ही हैं कि सबके ऊपर प्रवोक करना, लड़ाई झगड़े करना, लेकिन वो कुछ दिनों से मेरे भाई जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ अरुण भाई उसको टारगेट कर रहा था। जब भी मेरा भाई किसी से अगर बहस कर रहा है सना के साथ तो उसका बीच में आ जाना। अभी लेटेस्ट आपको खेल बता देता हूँ, लेटेस्ट ईशा के साथ मेरा अरुण भाई बहस कर रहा था तब उसका बीच में आ जाना। तो मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा था कि पहले सब पे चढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके सब पे प्रोवोकिंग करता है, और इस बार इसने मेरे भाई को टारगेट किया तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने अपने भाई के बारे में उससे एक बात रखी कि भाई तू मेरे भाई को लगातार टारगेट क्यों कर रहा है। आपने अगर क्लिप अभी देखी है, देखने वाले हो, उसमें मेरे लगातार एक ही शब्द है कि भाई अभिषेक मेरे अरुण के मैटर में मत आइयो, मेरे अरुण के मैटर में मत आइयो। मैंने वर्ड कम से कम 7 से 8 बार बोला, उसके बाद बंदे ने बोला मैं आऊँगा, तब जाके थोड़ा सा मैंने अपना आपा खो दिया, उसको धक्का दिया। जबकि कुछ मीडिया में ऐसा चल रहा था कि गर्दन पकड़ी, गर्दन नहीं पकड़ी, ये एक शर्ट पकड़ी हुई है मैंने और हल्का सा उसको पुश किया हुआ है। इस मैटर के बाद एक अनाउंसमेंट होती है, करण सर बोलते हैं कि तहलका आपको बाहर जाना पड़ेगा, और मैं बहुत निराश हूँ कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि बीच में अनुराग ने अरुण की गिरबान पकड़ी थी, गर्दन पकड़ी थी, उसको धक्का दिया था, उससे भी गलती हुई थी, मेरे से भी गलती हुई है, बड़े लेवल की हुई है, एक बार नहीं 2-3 बार हुई है, बिग बॉस ने चांस भी दिया था। अगर इस गलती को माफ़ कर देते तो मैं गलती को रिपीट नहीं करता। मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया और अपने अरुण भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उससे मैंने वादा भी किया था कि आगे कुछ भी ऐसा होगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, उसका भी मेरे से वादा था, कुछ भी रहेगा शो के अंदर साथ में आया, साथ में जाएंगे और तहलका मचा के जाएंगे। देखो जी, बिग बॉस बॉस है और जैसा वो बोलेंगे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता था कि भाई मैं वहाँ पे करण सर से बहस करता या और ज़्यादा रिक्वेस्ट करता, जो उनका डिसीजन होता सर आँखों पर होता है। सलमान सर भी होते तभी मैं एक ही बात बोलता, ओके सर, सर की बातें भी सर आँखों पे हैं, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया आपकी बात, मैं ऊपर रखूँगा कि अचानक से ये इतना थप्पड़ भी नहीं मारा गया था, ये चीज़ भी नहीं पकड़ी गई थी, तो एक पुश करना, एक प्यारा सा मौका मिलता तो मैं अपने आप को प्रूफ करता कि मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बिग बॉस से गलती मान के आया हूँ, सलमान सर से गलती मान के आया, मेरे को पश्चाताप है, और अचानक से बाहर आना मेरे लिए खुद एक बड़ी खबर है। नहीं, मैं अरुण भाई की वजह से बाहर नहीं हूँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसके लिए स्टैंड लिया, और ऐसा नहीं उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए उसने भी स्टैंड लिया है। मेरे को जो लगा कि भाई लगातार मेरे भाई पे चीज़ें हो रही हैं, इस बंदे का लगातार बीच में आना, करण सर ने भी उससे सवाल पूछा क्या तेरा वो मैटर था अभिषेक, उसने मना करा ये मेरा मैटर नहीं था, उसके बावजूद वो बीच में आया। तो मैं अपने भाई से शो में एक वादा कर चुका था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैं बाहर आ रहा था तो मेरा भाई टूट के नीचे गिर गया था, आप देखना वो क्लिप, मेरे भाई ने एक शब्द और यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था कि तहलका अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मेरे को तेरे साथ बाहर जाना। तो ये प्रणम प्यार है जो मैं लेके निकला हूँ, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं अरुण भाई की वजह से बाहर निकला हूँ, मैं भाई से इतना प्यार है कि भाई के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ मेरे से धक्के वाली होगी ना, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, मैं मुँह जवानी लड़ सकता था, लेकिन मैं प्रेशर में था कि मेरे भाई पे उसका लगातार कसना, ताना कसना, मेरे भाई को परेशान करना, प्रवोक करना, वो चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई। और एक मैंने कमेंट बाहर आके ये भी पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था कि तहलका मैन एंग्री, तहलका मैन एक गुस्से वाला इंसान सबसे झगड़ा करता है, लड़की से भी करता है, घर के सब सदस्यों से करता है। मैंने पूरे घर के अंदर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सारी मीडिया के सामने, मेरा अभिषेक और अनुराग के अलावा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से क्लेश नहीं हुआ, किसी से मेरी बहसबाजी नहीं हुई, किसी से मेरी हंसी हरकत नहीं हुई जो अभिषेक करता है बड़े लेवल पर। पूरे घर के साथ मेरे संबंध बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर लड़की से मैंने प्यार से तरीके से बहन मान के उससे बात करी है, कभी मेरी इंटेंशन ये नहीं रही कि मैं उस पर भी गलत तरीके से बात करूं, बहुत प्यार से रहा हूं, हंसाता रहा हूं, अलग अलग तरीके से कंटेंट, एक कह सकते मिमिक्री करी है, अलग अलग आवाज़ें निकाली। सलमान सर ने खुद बोला कि तहलका अपनी तहलकिस्तानी भाषा में हमें यहाँ वीकेंड का वार का वो दे, रिकैप दे। सलमान सर ने यह तक बोला कि तहलका जल्दी से सनी देओल की आवाज़ निकाल, तो मेरे को अच्छा लग रहा था सर, मेरे को बहुत अच्छा एक पंप दे रहे थे और मैं आगे निकल भी रहा था, अच्छा मेरा एक जिसे कह सकते हो गति बढ़ रही थी। अरुण भाई और मैं एक तरफ थे, अलग गेम खेलने में 15 बंदे एक तरफ थे, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम झुंड का हिस्सा बनेंगे, और बिग बॉस ने कई बार ऐलान भी किया ये झुंड है, तो झुंड का जो सारे बंदे थे वो अलग थे, हम दो बंदे एक तरफ थे। अनुराग
अनुराग की मैं बात करूं तो उसके माइंड में मैडम नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल की है, वो हर चीज़ को उल्टा लेता है। सलमान सर उसकी तारीफ करें या उससे प्यार से बात करें तो उनकी बातों को उल्टा लेता है वो। बिग बॉस उसको मोटिवेट करे तो उनकी बातों को उल्टा लेता है। घर के सदस्यों की बातों को उल्टा लेता है और बाहर की उसको ज़्यादा टेंशन रहती है। घर से इन्वॉल्वमेंट उसका ख़त्म हो चुका है, बाहर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि बाहर क्या चल रहा होगा, मेरा मजाक तो नहीं बन रहा होगा। जबकि हमने उसको कई बार बोला कि तेरे को सलमान सर उठाने की कोशिश करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि बिग बॉस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही बंदा रहा है, उसको सबसे ज़्यादा चांस दिया गया, उसको जज बनाया गया, उससे डांस करवाया गया, उसको हंसाया गया, उसको सबसे फ्रंट में रखा गया। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने भारत का नंबर वन शो है, वहाँ पे उसको इतना सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी वो नेगेटिव हो रहा है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेरा फर्ज था जो उसको समझाने का, मैं उसको समझा के भी आया हूँ एक बार नहीं कई बार कि तू पॉजिटिव रहकर सही गेम खेलेगा, बढ़िया खेलेगा, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। टॉप थ्री में मुनव्वर को और अपना विक्की भैया को और अंकिता लोखंडे भी उसके अंदर आ सकती है और अपना अरुण भाई भी आ सकता है। घर से निकलते टाइम अरुण भाई ने एक बड़े भाई का दर्जा मेरे को दिया था और मेरे उसने पैर छुए कि भाई मेरे को तेरे ऐसा भाई मिला, और बहुत ज़्यादा टूट भी गया था वो। और एक लास्ट चीज़ है जो मैं लेता आया था अरुण से ही मैंने ली थी। अरुण के लिए मैंने एक मैसेज लिखा था बिग बॉस के अंदर ही, अरुण के लिए मैसेज लिखा था मैंने बिग बॉस के अंदर, और ये मैं लास्ट में लेता आया था, उसके पास ही था ये। मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा पढ़ के। बिग बॉस में जीतने आया था मैं, जीत की जो खुशी होती है उससे कई ज़्यादा खुशी मेरे को शो एंट्री करते ही मिल गई। वो ऐसे कि मेरे को मिल गया बिग बॉस में अनमोल तोहफा, और वो तोहफा है मेरा भाई अरुण। एक तो होती है 10 साल की दोस्ती और ये है सिर्फ कुछ दिनों की दोस्ती। बिग बॉस को दिल से धन्यवाद, अगर आपके शो में नहीं आता तो मेरे को ये प्यारा भाई नहीं मिलता। आई लव यू भाई, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, भाई के लिए एक लाइन तो बनती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हम जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है, बिग बॉस के इस शो में हम एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे हैं, ऐसा लगता है मेरे को मेरा भाई मिल गया जो मेरे को कुछ साल पहले छोड़ के गया था। बिग बॉस का दिल से धन्यवाद अरुण भाई, लव यू। ये मैसेज था जो मैंने अपने भाई के लिए लिखा था, ये दिल की बात थी, मैंने भाई से शेयर करी थी एक लेटर के जरिए।